नमस्कार, जुड़ चुके हैं यंग बाइट्स के साथ, मैं प्रिया कोल। जिस तरह से अब जो जम्मू के लोग हैं उनको अपनी ज़मीनों का भी टैक्स देना पड़ेगा, 15% हर साल उनको जेएमसी को अपनी प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, तो आज इसी रिगार्डिंग हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं पैंथर्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सुरिंदर चौहान जी। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जम्मू के लोग आखिरकार क्या सिर्फ टैक्स देने के लिए रखे हुए हैं। पहले तो सर आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। सर, क्या जम्मू के लोगों को इन्होंने टैक्स देने के लिए रखा है यहाँ पे? 370 हटने के बाद कहा गया था जम्मू के लोगों को लिए ये होगा वो होगा, क्या ये टैक्स देने की बातें थी क्या वो सब? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है इसकी कड़ी शब्दों में और कड़ी निंदा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र के सरकार में आई है, उसके साथ साथ जब भी ये जम्मू कश्मीर के सरकार में पिछले दिनों रहे, हमें ये समझ नहीं आती है कि ये जम्मू को समझते क्या हैं। जम्मू पहले मंदिरों का शहर था, उसको टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया। आज उसी मंदिरों को शहर को ये टोल टैक्स के साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स का शहर जो है ये बनाने जा रहे हैं, और मुझे लगता है इन्होंने बना भी दिया है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप कितना ही टैक्स हमारे लोगों पर लगाएंगे? आज किस चीज़ पर टैक्स नहीं है? GST आपने लगाया, टोल टैक्स आपने लगाए, रोड टैक्स आपने लगाए, गाड़ियों पे टैक्स आपने लगाए। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये देश को दे क्या रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सिर्फ लेना भारतीय जनता पार्टी जानती है, किसी को देना नहीं जानती है। जी सर, जिस तरह से कहा जाए तो कातिल भी ये है, वकील भी ये है, और जम्मू के लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गुंडों की सरकार, मैं कह सकता हूँ। ये बहुत बड़े गुंडे हैं। अगर कोई ये कहता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, उसके ऊपर केस बना दिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि इसको पकड़ के अंदर कर दो, इसके ऊपर केस बना दो, इसके ऊपर PSA लगा दो। हम पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हो? राजनीति का मतलब होता है गरीब लोगों की सेवा करना, देश के लोगों का भला करना। गरीब लोगों को और देश के लोगों को लूटना सियासत नहीं कहा जाता है, ये गुंडागर्दी कहा जाता है, ये बदमाशी कहा जाता है, ये डकैती कहा जाता है। जो शरआम आप डकैत बन के हमारे लोगों को लूट रहे हैं, ये पैंथर्स पार्टी कभी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगी। 370 हटने के बाद क्या टैक्सों के यहाँ पे तोहफे दिए जा रहे हैं? देखो, 370 हटने के बाद एक उम्मीद जागी थी, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले 370 को अगर किसी ने तोड़ने की बात की थी, इसको ख़त्म करने की बात की थी, तो जम्मू कश्मीर में पैंथर्स पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी कि इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये 370 की आड़ में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, इसके साथ भेदभाव कश्मीरियों के द्वारा किया जाता है, जो कश्मीर के लीडर्स हैं। अब ज़्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि 370 तोड़ के तो ये जम्मू को भी इन्होंने तोड़ दिया, पूरे जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया। 370 नहीं तोड़ी, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, लद्दाख के एक टुकड़ा कर दिया, दूसरा टुकड़ा इन्होंने कश्मीर का भी रखा हुआ, तीसरा जम्मू का भी रखा हुआ। हम पूछना चाहते हैं 370 तोड़ने के बाद आपने कोई अच्छा काम करना था, ना कि इसके टुकड़े करने के लिए आपने ये शुरुआत की और टुकड़े आपने इसके कर दिए। आज जम्मू के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है ये सिर्फ आम आदमी बता सकता है। जिस तरह से आपने साफ तौर पर सुना इनको कि इनका कहना है कि जम्मू के लोगों को आखिरकार टैक्स ही दिए जा रहे हैं, कुछ लोग लोन लेकर अपने घर बनाते हैं, फिर घर बनाने के बाद अब उनको 15% उसका GMC को टैक्स देना पड़ेगा, आखिरकार इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ क्यों होता है हर बार? प्रॉपर्टी टैक्स, क्यों प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाएगा? लोग इतने मुश्किलों का सामना करके कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं लोन लेकर, फिर उसके बाद अब कहाँ जा रहा है कि उनको 15% GMC को टैक्स भी देना पड़ेगा? आखिरकार ऐसा जम्मू के लोगों के साथ क्यों? इसी तरह बने रहे यंग बाइट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील पंचा के साथ, धन्यवाद।